की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। सिर्फ सीमांचल ही नहीं, बिहार के साथ साथ देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान अल करीम यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित कटिहार मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर हो रहा है साइबर फ्रॉड। पिछले कई महीनों से साइबर फ्रॉड का एक गिरोह कटिहार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एडमिशन देने के नाम पर देश के कई राज्य के युवा ठगी का शिकार बन चुके हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरबी गुप्ता कहते हैं कि वो लोग खुद इस गिरोह के कारनामे से परेशान हैं। ठगी के शिकार हुए कई लोग बाद में उन तक फ़ोन करके भी यह शिकायत कर चुके हैं और इससे अल करीम यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्था के प्रतिष्ठा भी दागदार हो रहा है। इसलिए उनकी तरफ से भी कटिहार साइबर थाना में एक मामला दर्ज करवाया गया है। साथ ही लोगों से अपील किया जा रहा है कि किसी भी हालत में सरकार के तय नियमों से ही मेडिकल में दाखिला संभव है, इसलिए किसी भी तरह का झांसा में ना आए, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पूरे मामले पर कटिहार साइबर थाना इंचार्ज DSP शद्दाम हुसैन कहते हैं कि साइबर ठग इन दोनों शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी का एक ऐसा बड़ा रैकेट चला रहा है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर भी अल करीम यूनिवर्सिटी के नाम पर इस तरह का ठगी का मामला उन लोगों के पास भी आया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किया है, जिसकी सूचना उन लोगों को भी है। जहां तक इस मामले पर कटिहार पुलिस की कार्रवाई की बात है तो पुलिस इस मामले को लेकर एक्टिव है और कई तत्व को खंगाला जा रहा है। जल्द ही अल करीम यूनिवर्सिटी से जुड़े कटिहार मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर साइबर फ्रॉड के इस गिरोह को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ डिस्क्लोज भी हुआ, आप लोग लगातार इसको लेकर अवेयरनेस भी चलाए, क्या स्थिति हुआ था सर, क्या जानकारी है इस पर? देखिए, जहाँ तक ठगी का मामला है, ये बहुत दिन से ठगी का मामला चल रहा है, लेकिन कुछ लोग पकड़ा गए, इसकी जानकारी ऑफिशियली मुझे अभी तक नहीं मिला है। जैसे आप मीडिया वाले हैं, एक और रिपोर्टर कल हम फोन करके इसके मामले संबंध में अवगत कराया कि इस तरह से 3-4 लोग इसमें गिरोह में जो शामिल है वो पकड़े गए हैं। और जहाँ तक ये ठगी का मामला है, ये ठगी का मामला का प्रोसेस जैसे मुझे जानकारी है कि बाद में मेरे पास कई जगह से कई मतलब ठगी होने के बाद कई लोग FIR किया तो उसकी कॉपी मेरे पास आई। कुछ लोग क्या करते हैं कि 50,000 या 1,00,000 अल करीम यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में डाल देता है, क्योंकि वो अकाउंट नंबर ओपन है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस किसी मेडिकल में होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसका होता है जनरली मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज में, तो ओपन रहता है, तो पहले वो क्या करता है वो उसमें डाल देता है ताकि लोग को लगे कि सही जगह पैसा जा रहा है। उसके बाद वो 5,00,000-7,00,000 वो किसी दूसरे अकाउंट में, कभी सिलीगुड़ी अकाउंट में जैसे कि पाया गया है, कभी मतलब वेस्ट बंगाल किसी कोने में, कभी मतलब उत्तराखंड, और एक नंबर से उसने ये ठगी का स्टार्ट काम नहीं किया है। ये कम से कम अभी तक मेरी जैसे जानकारी हुई, कम से कम 7-8 मोबाइल नंबर जो मेरे नाम पर प्रोफाइल बना करके वो ठगी करता है। कितना परेशान है सर, आप कितना परेशान हैं, और ये इस पर जो अल करीम यूनिवर्सिटी के जो साख पर कितना पट्टा लग रहा है इससे? ये बात तो एकदम सही है कि अल करीम यूनिवर्सिटी और कटिहार मेडिकल कॉलेज की इमेज को टार्निश किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग अभी तक कम से कम मुझे याद है कि 3 बार SP को हमने इसके बारे में लेटर दिया है। अभी हाल फिलहाल साइबर थाना खुलने के बाद उनके ऑफिसर को भी लेटर दिया है, और हम लोग इसके लिए काफ़ी चिंतित है, और हम लोग बराबर इस चीज़ में लगे रहते हैं, और या कोई FIR भी करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आप लोग ये 50,000 के चक्कर में आप लोग यहाँ आते हैं, बेटर होगा कि आप लोग 5,00,000 कहाँ दिए, 7,00,000 कहाँ दिए, ताकि सही आदमी पकड़ाए, और चाहते हम लोग जो सही आदमी जो है वो पकड़ाए ताकि दूसरे लोग कभी ठगी के शिकार नहीं हो। देखिए, जहाँ तक एडमिशन के लिए ठगी की बात है तो एडमिशन की एक मानक प्रक्रिया है। अगर आपके बच्चे एग्ज़ाम फेस करते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका एडमिशन होगा। अगर कोई किसी को ये कॉल करके बोलता है कि मैं आपके बच्चे का एडमिशन फलां जगह करवा दूंगा, फलां जगह करवा दूंगा, तो बिल्कुल फ्रॉड है ये। या एक BCCA हो या कोई भी बोर्ड है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बाद उसके लिए कॉलेज अलॉटमेंट होता है, फिर आपको एडमिशन मिलता है। अगर कोई दलाल आपको कॉल करता है और कहता है कि मैं एडमिशन करवा दूंगा, तो ये फ्रॉड है, आप लालच भी नहीं आई। सर,
था कटिहार जिसमें प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ एक मामला है अलका यूनिवर्सिटी, ये भी रजिस्टर्ड हुआ मामला। इस मामले में अब तक क्या हुआ? जी जी, उस मामले में साइबर थाना कांड संख्या 1923 दर्ज किया गया है। उसमें मामला ये है कि कोई एक फ्रॉड है, एक गैंग है, एक टीम है, वो वैसे लोगों को टारगेट करके कॉल करती है और बताती है कि मैं आपका एडमिशन कटिहार मेडिकल कॉलेज में करा दूंगा, एक सीट खाली है, दो सीट खाली है। और फिर वो करती है क्या कि वो कॉलेज के अकाउंट पे ही पैसा मंगा लेती है पहले चरण में, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि उसका पैसा सही जगह पर जा रहा है। लेकिन जब सेकेंड स्टेज की बारी आती है तो वो पैसा अपने फ्रॉड जो उनके खाते होते उसमें मंगवाती है, लेकिन जब बाद में पता चलता है तो मालूम हुआ कि उनकी ठगी का शिकार हो गए। इस तरह के 6-7 मामले हो चुके हैं और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी कई थाने में मामले दर्ज हैं। उसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और कटिहार में थाना साइबर थाना कांड संख्या 1923 का जो मामला है उसमें भी हम लोग जाँच कर रहे हैं, जल्दी ही कुछ अच्छे नतीजे आएंगे उसमें। देखिए, साइबर ठगी का दो बड़ा कारण जो मुझे लगता है, मैंने देखा है, एक तो कि आप लालच में ना पड़े, लालच कहीं ना कहीं एक है। दूसरी चीज़ है कि आप जागरूक रहें। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर मुफ्त का है या एक, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि 100 रुपया लगाइए 200 रुपया मिल जाएगा, स्कीम जैसी स्कीमें भी मिलती हैं और लोग फंसते हैं, पैसा देते हैं। तो लालच में नहीं आए, आप जागरूक बने रहिए। और किसी तरह का अगर दिक्कत होता है तो 1930 पे कॉल कीजिए और तुरंत रिपोर्ट कीजिए, फिर साइबर थाना जो आपका नज़दीकी साइबर थाना वहाँ जाइए, आप वहाँ जाके केस दर्ज कीजिए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।